वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों आज हम विंड एनर्जी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। दोस्तों आपको अगर मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। चलिए देखते हैं अपना 2000 जैन में जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन। विंड मिल हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 मीटर स्क्वायर, द विंड स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द पावर जनरेटेड बाय द विंड मिल इन द बेट्स लिमिट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है विंड मिल में और हमसे पूछ रहा है पावर जनरेटेड, हमारी जो पावर जनरेटेड है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमें इसमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, पावर। तो हमें ऑप्शन दिए हैं चार ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2.064 किलोवाट, 3.483, 11.162 एंड 18.321 किलोवाट। तो इसमें देख लेते हैं कि हमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन ए कैसे आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था पावर, तो हम पावर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है विंड मिल के केस में हाफ सी रो ए वी पावर थ्री। तो देख लेते हैं कि सी यहाँ पे क्या है। सी जो हमारा है वो है कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, और जो हमारा रो है वो डेंसिटी ऑफ एयर, यूनिट उसकी हमारी रहेगी केजी पर मीटर क्यूब में ही रहेगी। जो ए है हमारा फ्रंटल एरिया जो मीटर स्क्वायर में रहेगा, और बी हमारा है वेलोसिटी ऑफ विंड और स्पीड ऑफ विंड, ये हमारा है मीटर पर सेकेंड में ही। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो यूनिट्स है हमारी केजी, मीटर और सेकेंड में ही रहनी चाहिए। अगर हमें किसी और यूनिट में गिवन है तो हमें उसे कन्वर्ट करना होगा केजी, मीटर और सेकेंड में, ताकि जो हमारा पावर की वैल्यू आएगी वो वाट में आएगी। तो जो हमें डेंसिटी ऑफ एयर है वो हमारी होती है 1.29 केजी पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों आपको ये टर्म याद करनी होगी, किसी क्वेश्चन में गिवन होती है कभी कभी, कभी ये गिवन नहीं होती आपको। तो 1.29 जो हमारा 1.29 है इसको आपको याद रखना है। और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था हमें बेट्स लिमिट, सो सी की वैल्यू हमें गिवन नहीं, तो हमें इसमें दिया गया था बेट्स लिमिट। तो बेट्स लिमिट जो हमारी होती है उसका उसमें सी जो होता है 0.593 होता है। तो ये भी आपको दोस्तों याद रखना है, ये दो चीज़ अगर आपको याद रहेंगी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपका इजिली सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं गिवन तो आपको ये दो चीज़ रिमेंबर रखनी है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ए हमें गिवन था, ए हमारा है 25 मीटर स्क्वायर, वी भी हमें गिवन है वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम सारी वैल्यू पुट कर दी। तो सी की वैल्यू 0.593 ने पुट कर दी, 1.29 हमने इसका डेंसिटी वैल्यू पुट कर दी, देन हमने एरिया और वेलोसिटी को क्यूब रूट कर दिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखिए मीटर क्यूब ये होगा मीटर क्यूब, तो ये मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कैंसिल, तो हमारा जो बचेगा केजी, मीटर स्क्वायर और सेकेंड पर सेकेंड का क्यूब। तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की पावर थ्री। तो हमारा ये आ गया केजी, ये दोस्तों ये वाला चीज आएगा यहाँ पे दोस्तों, सॉरी ठीक है। तो हमारा जो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, तो जो हमारा आएगा 2,206.419 केजी, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो हमारा जो वॉट होता है, वॉट होता है हमारा दोस्तों ये भी यहाँ पे वॉट होता है हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है, पर सेकंड क्यूब हमारा ये होता है। यहाँ पे आप सॉल्व करेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और जो हमारा वैल्यू आएगा फिर वो आएगा 2.065 किलो वॉट, क्योंकि केजी ये वॉट हो गया पूरा वॉट, और इसे हम डिवाइड करेंगे 1000 से 0.2065 किलो वॉट। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।